गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 7.1। सो नाउ वी विल स्टार्ट द डिटेल्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के हमारे पास चार तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले रूल होता है SSS रूल, दूसरा होता है SAS रूल, तीसरा होता है ASA रूल और चौथा होता है RHS रूल। ये चार रूल होते हैं किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। इन चारों के अलावा कोई और रूल नहीं होते। इसका मतलब है साइड, मतलब एक ट्राइंगल की तीन साइड दे रखी हैं आपको और वो तीनों साइड दूसरे किसी ट्राइंगल की तीनों साइड से अगर मैच हो रही हैं तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। SAS का क्या मतलब है? साइड एंगल और साइड, मतलब दो तो साइड आपको इक्वल दे रखी हो और एक आपको एंगल दे रखा हो। दो साइड दे रखी हो एक ट्राइंगल की और एक एंगल दे रखा हो और वही सेम चीज़ अगर दूसरे ट्राइंगल में भी है तो वो ट्राइंगल SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ASA का मतलब एंगल, साइड और एंगल, मतलब आपको अब ASA में क्या दे रखा है? दो एंगल्स दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है। और RHS का मतलब क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये राइट एंगल में काम करता है, मतलब कि उस राइट एंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, दूसरा उसका हाइपोटेनस इक्वल हो और तीसरा उसकी एक साइड इक्वल हो। तो ये चार रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है? ट्रिपल एस रूल। इसमें देखते हैं, चलिए क्या होता है। ट्रिपल एस रूल का मतलब होता है कि जैसे कि इस ट्राइंगल में एग्जाम्पल हम देखते हैं ये वाला। इस ट्राइंगल में देखो एक साइड दे रखी है 3.5, तो इधर की भी एक 3.5 दे रखी है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एग्जैक्ट तरीके से दे रखा हो कि इधर का ऊपर वाला ही होना चाहिए। उसको आप कैसे भी रोटेट करके फिक्स कर सकते हो। इधर 5 सेंटीमीटर दे रखी है AC, तो इधर RQ आपको QR है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। BC आपको 7.5 दे रखी है, तो आपको PQ 7.5 दे रखी है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम फ्लिप कर दें, ऊपर की तरफ मुड़ा दें, तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को पूरी तरह कवर कर लेगा। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कवर कर लेंगे। तो हमें तीन साइड दे रखी हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? AB इक्वल टू PR, कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू PQ, कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। और AC इक्वल टू QR, कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आपकी तीनों साइड इक्वल दे रखी हैं। सो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से दीज टू ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल? ABC और PQR, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये तीनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि जो A पॉइंट है वो किसके बराबर है? R के बराबर। B पॉइंट है वो बराबर है P के, और C पॉइंट है वो बराबर है Q के। तो इस वजह से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है? ट्राइंगल RPQ के। तो यहाँ ये हो गया साइड वाला। जब आपकी तीनों साइड दे रखी हैं, तीनों साइड इक्वल दे रखी हैं एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से, तो वो क्या हो जाएंगे? रूल SSS की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। नेक्स्ट रूल कौन सा था? SAS, मतलब कि साइड एंगल और साइड का। तो साइड एंगल और साइड का क्या रूल है? आपको दो साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो। अब इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है? इधर कौन कौन से ट्राइंगल हैं? ABC और इधर है DEF। अब इन दोनों में देखते हैं, ABC और DEF में, सबसे पहले साइड देखते हैं। AB इक्वल टू DE, कितना है?
नहीं सॉरी ए बी इक्वल टू ई एफ कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी इक्वल टू डी ई कितना है 5 सेंटीमीटर। और इधर एंगल देखते हैं हम, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपकी दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो एक इसमें कौन सा पॉइंट किसके बराबर है, हमें फ्लिप तो करना पड़ेगा ना ये। तो ए जो पॉइंट है वो किसके बराबर है, ए पॉइंट है आपके एफ के बराबर। ए पॉइंट किसके बराबर है, एफ के बराबर है। उसके बाद बी पॉइंट किसके बराबर है, ई के बराबर है। और सी पॉइंट बचा है जो हमारा, वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं किसके, एफ ई डी के। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तीसरा हमारा रूल आता है ए एस ए रूल। ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल। अब इसमें हमें ये दे रखे हैं दोनों, ये दो एक ट्राइंगल है हमारा ए ओ सी और दूसरा है डी ओ बी, ये दो ट्राइंगल हैं। अब इसमें आपको ये दो तो एंगल दे रखे हैं, एक 70 डिग्री एक 30 डिग्री, इसमें 70 दे रखा है बस। तो हम ये तो निकाल सकते हैं ना, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी क्या निकल गया हमारा, 30 डिग्री निकल गया। तो हम कैसे करेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितना है 70 डिग्री, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ कितना है 30 डिग्री है या नहीं। उसके बाद में साइड हमें दे रखी है इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, इसे आप मान लो। और नहीं मानो तो आप इससे तीसरा एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे, ट्राइंगल के जो तीनों साइड तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो इधर इनका सम कितना हुआ 70 और 30 100 और 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। तीसरा एंगल भी हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। तो तीनों सेम हो गए, जब तीनों एंगल सेम हो गए हमारा और ये साइड हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर की, तो ये तीनों कैसे, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और उसके बाद ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो आपने पढ़ी होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी कि अगर किसी एंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसकी तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और तीनों साइड और तीनों एंगल किस में होते हैं आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड भी इक्वल होंगे। तो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं इसमें एंगल आपका कौन सा, ए ओ सी इक्वल है डी ओ बी के। उसके बाद में एंगल ए सी ओ ये किसके इक्वल है, एंगल बी डी ओ के, ये इक्वल हो गया। तो हमारा तीसरा एंगल जो है एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया हमारा। उसके बाद में ये जो हमारी साइड दे रखी है ए सी, ये बराबर दे रखी है बी डी के बराबर दे रखी है। तो दोनों एंगल सेम है और साइड सेम है, अगर दोनों एंगल दोनों साइड सेम है तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमारा लास्ट बचा है इसमें आरएचएस रूल। आरएचएस रूल क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अब इसमें इसका डिटेल्स देखते हैं। अब इसमें देखो आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं, इसमें एक साइड दे रखी है, एक हाइपोटेनस दे रखा है और 90 डिग्री एंगल तो हमारे पास है ही है। तो जो आर पी है ये इक्वल है ए बी के 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद आर क्यू इक्वल है ए सी के 8 सेंटीमीटर, और एंगल पी और एंगल बी दोनों 90 डिग्री हैं 90 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू सॉरी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी हो गए इक्वल। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। तो हमने कौन कौन से चार रूल पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के, कॉन्ग्रुएंसी के चार रूल थे। पहला था साइड 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 या फिर ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल में क्या था, किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड अगर किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से सेम होती हैं तो वो क्या होते हैं, ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसा कि आपको लिखा भी रखा है इसमें।
पहला तो ये रहा, इफ अंडर अ गिवन करस्पॉन्डेंस द थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दिए हुए दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल हैं देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट दे रखिए आपको एस ए एस रूल की, एस ए एस रूल में क्या है, इफ़ अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द एंगल, दो साइड और एक एंगल इंक्लूडेड बिटवीन दैम, और वो एंगल उन दोनों के बीच में हो, साइड के दोनों के बीच में, अगर दो साइड और एक एंगल एक ट्राइंगल के वो इक्वल हों, किसके इक्वल हों, दूसरे साइड और एंगल दूसरे एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तीसरा आता है इसमें ए एस ए रूल, इफ़ अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक दिए हुए ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड इक्वल होते हैं, किसके, दूसरे किसी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड सॉरी दो एंगल और एक साइड के, तो वो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लास्ट आता है हमारा RHS, RHS में क्या है, इफ़ अ करस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब कि 90 डिग्री वाले ट्राइंगल की एक उसकी जो हाइपोटेनस और एक साइड अगर इक्वल है, किसके इक्वल है, किसी दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस और साइड के, किसी और 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस और साइड के, तो वो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये आपकी डिटेल्स फिनिश हुई, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।